नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार न्यूज 24। बिहार के पाटलिपुत्र सीट पर लड़ाई रोचक होती जा रही है। बीजेपी और महागठबंधन में जोरदार मुकाबला हो रहा है। दोनों ही पार्टियां अपनी प्रत्याशी के जीत में कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहती। एक तरफ जहां राजद का कुनवा लगा है, वहीं दूसरी ओर सांसद रामकृपाल यादव फिर मैदान में हैं और उनका मुकाबला लालू प्रसाद यादव की पुत्री मीसा भारती से है। बीजेपी के नेता एवं लोकप्रिय भोजपुरी स्टार दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ ने बीजेपी के समर्थन में दानापुर में रोड शो किया। आज हुए इस रोड शो में हजारों की संख्या में लोग पहुंचे। निरहुआ ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। तरह से पूरा देश तैयार है श्री नरेंद्र मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए। वैसे ही हमारा पाटलिपुत्र भी तैयार है, यहाँ के लोग तैयार हैं और सभी लोग जो है वो श्री रामकृपाल यादव जी के लिए वोट करेंगे और फिर से इस देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बनेंगे। तो मुझे लगता है कि इस देश में परिवारवाद और वंशवाद खत्म होना चाहिए, जातिवाद खत्म होना चाहिए और अगर इस देश को और आगे बढ़ाना है तो सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रवाद चलेगा और राष्ट्रवाद ही हम सबको चलाना है। और आज बिहार भी पूरी तरह से तैयार है, उत्तर प्रदेश तैयार है, पूरा देश तैयार है और आप देखेंगे कि 23 तारीख को प्रचंड बहुमत से फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। मुझे लगता है कि हम लोगों ने तो वहाँ पटकनी दे दिया आजमगढ़ में और अब ये हमारा पाटलिपुत्र भी तैयार है, पूरी तरह से लोग तैयार हैं क्योंकि ये जनता चाहती है, जनता का विचार है। हम जहाँ भी जाते हैं लोगों से पूछते हैं तो देश की जनता कह रही है कि इस देश को आगे बढ़ाने के लिए एक बार फिर से मोदी जी की सरकार होनी चाहिए। बहुत जरूरी है बंगाल में भारतीय जनता पार्टी जीते, क्योंकि वहाँ एक ऐसा माहौल बना के रखा है उन लोगों ने कि वो अपने आप को हिंदुस्तानी भी नहीं मानते हैं, कहते हैं हम बंगाली हैं तुम हिंदुस्तानी हो। भाई हिंदुस्तान में ही बंगाल है, आप भी हिंदुस्तानी हो। पर इस तरह की मानसिकता अगर वो रखती हैं तो मुझे लगता है कि कश्मीर से भी ज़्यादा ज़रूरी है।